बहुत से हार्ट गेन हैं जिनको वेट पुट ऑन करने में बहुत मुश्किल होती है, तो आई हैव अ क्विक रेसिपी उन सब के लिए जिनको वेट पुट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बताऊँगा आपको कि आपको अपने मास गेनर को कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि बहुत ही बजट के अंदर होगा एंड उसमें कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐड नहीं है, बिकॉज हर कोई प्रिपेयर नहीं करता प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सो मैं हूँ अर्पित, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज आई हैव इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू टेल इन दिस रेसिपी। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल आइकन का बटन दबा दो, एंड इंस्टाग्राम है अर्पित दुबे, वहाँ पर आके मुझे हाय बोलो। हमारे पास है एलमंड, ग्राउंड नट्स, कैश्यू, 1 स्पून ऑफ पीनट बटर, 2 मीडियम बनानास, 1 ग्लास मिल्क, कॉफी एंड हनी। सो पहले हम इसका पाउडर प्रिपेयर करेंगे जो कि होगा बादाम का, मूंगफली का एंड काजू का। सो ये एक मिक्सचर प्रिपेयर होने के बाद हमको एक जार में 1/2 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर एंड 1 to 2 स्पून ऑफ हनी फॉर माइक्रो न्यूट्रिशंस। एंड इसका शेक बनाने के बाद हमारा दूसरा काम ये होगा कि हमको उसमें 2 मीडियम बनाना ऐड करने होंगे, देन हमारा पाउडर 4 स्पून ऑफ पाउडर मिक्सचर एंड 1 स्पून कॉफी। देन हमको इसको ग्राउंड करने के बाद जो हमारा शेक प्रिपेयर होगा वो हमको प्रोवाइड करेगा 500 to 550 कैलोरीज। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके ओट्स के बजट से सस्ता पड़ेगा एंड साथ ही साथ ये बहुत बजट फ्रेंडली है। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी जो कि बजट के अंदर है। एंड वन मोर थिंग कि जितने भी मास गेनर्स आते हैं, डोंट प्रेफर दी मास गेनर्स, उसमें चीप कार्ब्स होते हैं एंड चीप शुगर क्वालिटी होती है, जिससे आपका वेट बढ़ेगा तो, बट चीप कार्ब्स आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप एक बार में थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो कीप दिस इन माइंड एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो अभी। वंदे मातरम।